वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में किस प्रकार बदलते हैं ये सीखा था। आज के इस वीडियो में विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में किस प्रकार बदलते हैं ये सीखेंगे। इसके लिए दो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, सूत्र एक न्यून पूर्ण तथा सूत्र निखिलम। इसकी भी थ्योरिकल प्रैक्टिस नहीं करते हुए हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर चलते हैं। हमारे सामने कुछ दो संख्या जो पिछले वीडियो में हमने सामान्य संख्या और विनकुलम संख्या बताया था, वो दो उदाहरण मैं यहाँ पर वापस लेके आया हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ सके। तो इसकी क्या विधि क्या कहती है, सबसे पहले संख्या लेते हैं। यहाँ पर संख्या आपके सामने ऊपर दी हुई है, इसके ऊपर ये रेखा चिन्ह। सबसे पहले विधि कहती है इसके चरमायन इकाई के अंक के धनात्मक मान को 10 में से घटाइए। इसके एक को 10 में से घटाने बचा 9, ये लिख दे 9, देखा हटा देनी है। सेकेंड वही वापस यानी बाकी बचे अंकों को 9 के अंतर्गत घटाना है, तो 9 के अंतर्गत घटा लेते हैं। 9 के अंदर 1 घटाने और बचा 8। तीसरा चरण इसका कहता है कि अंत में विनकुलम रेखा विहीन यानी जिस अंक पर विनकुलम रेखा या चिन्ह नहीं लगा हुआ है उसका एक न्यून करना है। न्यून करना आप जानते होंगे शायद, पिछले वीडियो हमने एक अधिक किया था ना, एक अधिक न्यून यानी एक से एक कम, इसका न्यून कर देते हैं इस प्रकार। और यहाँ पर इसका एक का न्यून करने पर बचेगा 0, इस प्रकार 8, 9 हमारे आंसर आ जाएंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस किया था। 8, 9 का हमने विनकुलम संख्या बदला था, आज वापस इसको सामान्य संख्या में बदल दिया। इसका एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, पिछले वीडियो में भी वही उदाहरण लिया था, हमारे पास ऊपर उदाहरण लिखा हुआ है 8, 7, 8 का। तो सबसे पहले इसकी संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पर 1, 1, 2, 2 इसके ऊपर एक। तो सबसे पहले यही वापस प्रैक्टिस करना, आपको धनात्मक 10 इसका धनात्मक मान है चरम अंक का, उसका 10 में से घटाना है बाकी अंकों को 9 के अंतर्गत। तो घटा लेते हैं 10 के अंदर 2 को घटा लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8, 9 के अंदर 2 को घटा लेते हैं तो बचता है 7, 9 के अंदर 1 को घटाने बचता है 8। इस संख्या का न्यून कर देते हैं, विनकुलम रेखा विहीन संख्या का, तो यहाँ पर एक न्यून चिन्ह लगा देते हैं, एक का न्यून करने बचेगा 0। तो ये 8 छोटे तरह हमें वापस प्राप्त हो गए जो कि पिछले उदाहरण में हमने देखा था। एक नया उदाहरण लेते हैं, इसमें भी एक नया उदाहरण लेकर प्रैक्टिस करते हैं हम। हमारे सामने एक संख्या है 10313, इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं देखिए। तीनों पर इनको देखिए, कोई वापस प्रैक्टिस, चरम अंक को 10 के अंदर घटा लेते हैं, ये घटा लिया 7, वापस बाकी अंकों को 9 में से घटा लेते हैं, 9 के अंतर्गत ये घटाना है तो बच्चा 8, 9 में से 6, 3 को घटाना है सॉरी, तो बच्चा 6। यहाँ पर आ गए आपके 0, तो 0 आपको पता है 9 के अंतर्गत घटाना है, तो 9 का यहाँ पर 9 लिख देते हैं और एक काम न्यून कर देते हैं, न्यून करने में बच्चा 0, तो ये संख्या हमें इसका आंसर ये प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आप अलग अलग उदाहरण लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम से कम आप 10 या 12 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल इजी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।